अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रजा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 और 11 से। आज हमारा सब्जेक्ट है फिर से बायोलॉजी है और चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम द वेरिटी ऑफ लाइफ है, क्लास 11 के बायोलॉजी से। लेकिन ये सारे टॉपिक हैं वो भी बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 में भी, तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके ऊपर आज इस चैप्टर के ऊपर हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक वो है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम अपने वीडियो पे। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेकल ने थ्री किंगडम्स रख दिए। जिस तरह से हमने कुछ लिमिटेशंस देखी या कुछ ड्रॉबैक्स देखे हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको जिस तरह जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इसने इस बायोलॉजिस्ट ने उस ही किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करके थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पेश किया। उसमें इसने क्या किया कि तीन किंगडम्स बनाए, एक का रखा नाम प्लांट्स, एक रखा एनिमल्स और एक रखा प्रोटिस्टा। अब इसमें प्रोटिस्टा में क्या क्या रखा, यूग्रेना रखा और बैक्टीरिया रखा, ठीक है, जो कि गलत पुट किए हुए थे किंगडम्स में। ठीक है, यूग्रेना किस में रखा हुआ था, प्लांट्स में रखा हुआ था और बैक्टीरिया भी किस में रखा हुआ था, प्लांट्स में रखा हुआ था। लेकिन यूग्रेना क्या था, एक एनिमल लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लैजेला मौजूद था लेकिन उसमें क्लोरोफिल की वजह से वो प्लांट भी था, तो इसके लिए वो कन्फ्यूजन हो गया। मतलब कि एक साथ एक किंगडम में किसी किंगडम में उसको जगह नहीं मिली, इसीलिए एक नया किंगडम बना, तो उसमें यूग्रेना को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया और बैक्टीरिया को भी किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। और उसके बाद इसने बोला कि प्लांट्स में, प्लांट्स वो चीज़ होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद बनाएं या सनलाइट की मदद से बनाएं, ठीक है। और इसने रखा फंजाई को किस में, प्लांट्स में, और एनिमल्स में क्या रखा, इसने हेटरोट्रॉफ्स को रखा। अब यहाँ पर जो सवाल है, ड्रॉबैक एक बना कि यूग्रेना जो है वो उसके अंदर जो है वो होता है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके अंदर सेल न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। अब यहाँ पे एक फिर से ड्रॉबैक हो गया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ लिखा गया, रखा गया, ठीक है। और यहाँ पर जो फंजाई है, फंजाई का प्लांट से सिर्फ सेल वो रिजेंबल करता है और उसके बाद फंजाई जो है वो बिल्कुल भी अलग है प्लांट थे प्लांट से, तो उसने फंजाई प्लांट्स में गलत रखा गया। उसके ड्रॉबैक्स देखते हैं आगे। जी फ्रेंड्स, अब ड्रॉबैक ये था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ रखा गया, बैक्टीरिया और यूग्रेना को, ठीक है। और उसके बाद फंजाई जो था, फंजाई जो क्या था, हेटरोट्रॉफ था, जो कि क्या है, किसकी क्वालिटी है, एक एनिमल्स की, ठीक है। और उसके बाद जो सेल वॉल है सिर्फ वो रिजेंबल करता है प्लांट से, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से ये किंगडम क्लासिफिकेशन कैंसिल हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।